उड़द दाल का चैसू या मसपण। इसे बनाने के लिए एक कटोरी उड़द दाल, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, टमाटर और थोड़े से मसाले जैसे कि हल्दी, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। बनाने की विधि सिंपल है। सबसे पहले उड़द दाल को सिलबट्टे में आपको बारीक इसको पीसना है। सिलबट्टा ट्रेडिशनली यूज़ करते हैं हम लोग, आप चाहें तो इसको मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं। पूरी दाल को ऐसे ही अच्छे से ग्राइंड करना है इसमें सिलबट्टे में, और कुछ इस तरह आप ये पूरी दाल कर देनी है। आपको ये दरदरी सी हो जाती है ये। उसके बाद जो हमने अदरक का एक फांक ली थी वो इसको हमें सिलबट्टे में हम इसको बनाते हैं। साथ ही में हम चार पांच हरी मिर्चें लेते हैं, साथ में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ताकि आसानी आती है किसी भी चीज़ को पीसने में। एक पेस्ट इसका बना लेना है अच्छे से, और साथ ही में हम अब इसमें पांच छह फोली लहसुन की डाल लेते हैं और उसको भी पेस्ट में बना लेते हैं। ये देखिए हमारा पेस्ट तैयार है। अब इसको साइड में रख लेते हैं। अब कढ़ाई चढ़ाते हैं, हमें लोहे की कढ़ाई में बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ में हमने चावल अपने भिगो लिए हैं और जो हमने टमाटर लिए थे उसको हम कद्दूकस करके डालते हैं। टमाटर ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। और लगभग तेल हमारा गर्म हो गया, ये पाँच टेबलस्पून हमने तेल लिया हुआ, इसमें अच्छे से गर्म हो गया तेल। अब सबसे पहले हम इसमें हींग डालेंगे एक छोटा चम्मच, और साथ ही में हम जख्या डालेंगे एक छोटा चम्मच, जो कि हर पहाड़ी खाने की जान है। हल्का सा इसको फ्राई होने देंगे और अब जो हमारी दाल थी उसको हम इसमें डायरेक्ट डाल देंगे। अब दाल को हम अच्छे से इसमें फ्राई होने देंगे, भून लेंगे अपनी दाल। पाँच से छः मिनट इसको हम अच्छे से भूनेंगे और साथ ही साथ इसको चलाते रहेंगे कढ़ाई में। अब हम जो हमने पेस्ट बनाया था मिर्च लहसुन अदरक वो हम इसमें मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पे जो खुशबू आ रही है, इसकी अरोमा है, बहुत ही मज़ेदार आ रहा है। देखिए ये बहुत ही पौष्टिक है। हम पहाड़ के लोग बहुत मेहनत करते हैं पहाड़ में, तो वो पौष्टिकता इसमें बरकरार रहती है दाल की। साथ में जो स्वाद आ जाता है सिलबट्टे में और लहसुन अदरक का, इसमें वो इस डिश को अलग एक वो दे देता है दाल से। अब टमाटर डाल देते हैं जो हमने कद्दूकस किए थे, दो से तीन टमाटर। थोड़ा और इसको चलाते हैं ऐसे ही। थोड़ा अब हम फ्लेम मीडियम से थोड़ा कम कर देते हैं और इसको होने देते हैं अच्छे से। और थोड़ा सा हम इसमें नमक और डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। जो हमारे मसाले थे अब वो डालते हैं। लाल मिर्च लगभग एक चम्मच, धनिया पाउडर एक बड़ा चम्मच और हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच। अब इसको अच्छे से मसाले में मिक्स करके थोड़ा और भून लेते हैं। और ये साथ साथ भून रहा है, साथ हम एक दो से तीन गिलास पानी इसमें मैं बॉईल कर रहे हैं, सो दैट इस दाल में हम बॉइल्ड पानी डालेंगे। इससे पकने में अच्छी मदद मिलती है इसको और जल्दी से पक जाता है। हमारा पानी उबल चुका है,
ये हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको फिर 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से सिमर होने दें, उबाल आने दें। अच्छा, इसमें अब देखिए अच्छे से उबाल आ चुका है। लगभग ये हमारी दाल जो है चैसू मसपण इसको बोलते हैं, ये तैयार हो चुका है। सफ़ेद भात के साथ हम इसे खाते हैं पहाड़ों में। ये देखिए तैयार है, आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा।